आज मैं बनाने वाली हूँ नारियल वाली शाही टुकड़ा, जिसके लिए हमने ले लिया है ब्रेड, कद्दूकस किया हुआ ताज़ा नारियल, दूध, घी, चीनी, कंडेंस मिल्क और रोज़ वाटर। कढ़ाई में हमने ले लिया है घी, इसमें हम फ्राई करेंगे अपने ब्रेड्स। गर्म हो चुका है, इसमें हम ब्रेड्स को डाल के, हमें ज़्यादा नहीं लाइट ब्राउन इसे फ्राई करना है, डीप ब्राउन फ्राई नहीं करना है हमें इसे। देखिए ब्रेड रेडी हो चुकी है, इसे हमने कितना लाइट ब्राउन फ्राई किया है। हमने इसी तरह से सारे ब्रेड्स को फ्राई कर लेना है, इतना ही लाइट ब्राउन, हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है। ब्रेड्स को हमने इतना लाइट ब्राउन सभी ब्रेड्स को फ्राई कर लिया है। एक कढ़ाई में हम ले लेंगे घी, कढ़ाई में हमने घी ले लिया है। अब हम इसमें अपने ग्रेट किए हुए नारियल को फ्राई कर लेंगे, हल्का भून लेंगे हम इसे। नारियल को हमने भून लिया है, देखिए इसे हमने कितना ब्राउन रखा है, हल्का ही ब्राउन रखा है, हमने ज़्यादा नहीं भूना है इसे। हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क, हमने ज़्यादा मीठा नहीं बनाया है, ना ही हमने दूध में ही चीनी डाला है और ना इसी में। इसके साथ हम इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए पका लेंगे। चाशनी के लिए हमने ले लिया है पानी और चीनी। चाशनी रेडी हो चुकी है, चाशनी रेडी हो गई, अब हम इसमें आधा कप दूध डालेंगे चाशनी में। रोज़ वाटर डालेंगे। इसके बाद हम इसमें फ्राई की हुई ब्रेड को डाल देंगे, अच्छे से हम डुबो देंगे सभी ब्रेड्स को इसमें। एक पैन में हम ले लेंगे दूध, इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारी दूध पूरी अच्छे से गाढ़ी नहीं हो जाती है। हमने तकरीबन 1 लीटर से ज़्यादा दूध लिया है यहाँ पे, और इसे हम गाढ़ा होने तक अच्छे से पका लेंगे। दूध गाढ़ी हो चुकी है, देखिए हमने क्या कंसिस्टेंसी रखा है। हमने इसमें चीनी नहीं डाला है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये जो ब्रेड हमने दूध और चाशनी में डुबा के रखा था, इसे हम निकाल के प्लेट पे प्लेटिंग करना स्टार्ट करेंगे। हम प्लेटिंग कर रहे हैं ब्रेड को सजाने के बाद, इसके ऊपर से हम डालेंगे अपना भुना हुआ नारियल। नारियल डालने के बाद हम इस पर डालेंगे अपना गाढ़ा किया हुआ दूध। इसे हमने पूरे अच्छे तरीके से ढक लिया है, इसके ऊपर से हमने नारियल को इस तरह से डाल लेना है। हमने इसकी अच्छे से लेयरिंग कर ली है, इसके ऊपर से हमने खोए का एक ऐसे डिज़ाइन बना दिया है।